आज मैं आपको विशेष उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, जो लोग चाहते हैं कि उन्हें उच्च पद की प्राप्ति हो, उनका नाम हो, उनको शौर्य मिले है, और साथ में जो लोग चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा अपना काम करते हैं, उनको क्रेडिट भी मिले। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, चाहे वो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, चाहे वो IAS बनना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी ऐसा सरकारी टीचर का काम करना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये रामबाण उपाय करना। आपको करना क्या है, आपको किसी भी अच्छे हनुमान मंदिर, जो सिद्ध मंदिर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई सिद्ध मंदिर आपके घर के आसपास है तो आप ये कार्य वहाँ जाके कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके घर के आसपास नहीं है तो भी मैं यही बोलूँगी, किसी सिद्ध मंदिर, सिद्ध हनुमान मंदिर के पास आप जाएं। थोड़े से आपके एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन आपका कार्य जो है, जो एफर्ट्स आप इधर लगाएंगे, तो आपको उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। जी जी। अच्छा हरलीन जी, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये सिद्ध मंदिर कहाँ ढूंढें। तो आमतौर पे भक्तों को बताया जाता है कि 10 साल से पुराना अगर मंदिर हो जी, तो आमतौर पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे पूजा पाठ काफी हुई है तो सिद्ध मंदिर है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल हम ऐसा कह सकते हैं। तो कोई भी पुराना मंदिर हो हनुमान जी का, आप वहाँ पे जाएं और देखें कि उस मंदिर में सीढ़ियाँ हैं। अगर 3-4-5 सीढ़ियाँ भी हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें उस मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं उसको साफ करना है। उसके लिए हम एक वाइट कलर का टॉवल लेंगे, ध्यान रहे वाइट टॉवल लें। अच्छा। पीले रंग का टॉवल या लाल रंग का टॉवल बिल्कुल मतलब ना लें। उजला एक तौलिया ले लेंगे। हाँ जी हाँ जी, एक तौलिया ले लें या एक रुमाल ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उस तौलिए का रंग जो है वो लाल या पीला बिल्कुल ना हो, सफेद हो। सफेद हो तो ज्यादा बेहतर है। लाल पीला हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हम जो करने वाले हैं, हम सीढ़ियों को साफ करने वाले हैं। अच्छा, तो हम जो लाल और पीला रंग जो है, जो हनुमान जी का माना जाता है, तो हम उसको नीचे सीढ़ियों पे नहीं यूज करेंगे। तो हम इसके लिए एक सफेद रुमाल या तौलिए का इस्तेमाल करेंगे जी। अब जो सीढ़ियां साफ करने का तरीका है वो ये है कि हम नीचे से सीढ़ी साफ करते करते ऊपर के तरफ जाएंगे, नीचे वाली सीढ़ी साफ की, और साथ में हमने ये वाली चौपाई बोलनी है मन ही मन। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दिन्हा। जी, ये हमने करते जाना है, करते जाना। कोई इसका वो नहीं है कि आप 51 बार करो, 31 बार करो, 108 बार करो, नहीं। आप अपने दिल से, अगर आपका मन कर रहा है बार बार सीढ़ियां साफ करने का और बार बार बोलने का, तो आप करते जाइए, क्योंकि ये ऐसी चौपाई है और ये एक ऐसा उपाय है जो कि आपको प्रगति की ओर लेके ही जाएगा और आपको सक्सेस दिलवा के ही रहेगा। अगर आपको लगता है गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, तो आप एक बार इस उपाय को करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।